कहाँ पे? यहाँ यहाँ पे ना। रामायण मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं पुनीत सर जी ने मुझे आज इनवाइट किया हुआ है यहाँ पे, और फर्स्ट टाइम मैं रावण को देखूँगी अपनी आंखों से लाइव। और रावण की रामायण तो देखने में हाँ बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैं बहुत बहुत पुनीत जी को बधाइयाँ देती हूँ। मैंने बहुत सुना है इस प्ले के बारे में और मैं यहाँ पे देखने आई हूँ, और बस सैटरडे नाइट रावण के साथ। हाँ नहीं, कुछ नहीं चल रहा है अभी, फिल्म रोक दी है, नहीं रिलीज हुई, तो प्रोड्यूसर तो डूब गए, एक कहानी जूली की डूब गई, प्रोड्यूसर डूब गए, तो फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाई क्योंकि सेंसर में फंस गई। एंड अभी प्रोड्यूसर के पास उतने पैसे है नहीं कि वो फिल्म रिलीज़ कर पाए, क्योंकि अब सेंसर ने सब कुछ काट दिया, तो पूरी 25 मिनट की फिल्म काट दी, तो डेढ़ घंटे की पिक्चर कैसे दिखा सकते हैं, इसलिए पिक्चर रिलीज नहीं हो पाई। बैड लक है। जी फर्स्ट मेरी मूवी थी एक कहानी जूली की, लेकिन सेंसर की वजह से फंस गई, इसलिए वो रिलीज़ नहीं हो पाई। अब आगे देखते हैं क्या होता है। मैं इंडियन सोल्जर है उनको सैल्यूट करती हूँ, मोदी जी को सैल्यूट करती हूँ, इंडियन आर्मी को सैल्यूट करती हूँ, हिंदुस्तान को सैल्यूट करती हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसे नौजवान उन माओं को मैं सैल्यूट करती हूँ कि ऐसे शेरों को पैदा किया। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर एक शेर है, और मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं हिंदुस्तान से बिलोंग करती हूँ और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। मोदी जी ने जो कहा वो किया है। बहुत पहले हमें यकीन नहीं था कि हिंदुस्तान से वार होगा, ऐसा वार उन पे करेंगे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी जो क्रिमिनल्स है, जो टेररिस्ट है, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों पे हाथ उठाया है, उनको उनको भी नहीं बख्शा, तो बहुत दुख की बात थी। बट आज हम इतने खुश हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा उनको सबक सिखाया है। मैं तो मतलब मुझे तो एक ही डायलॉग याद आता है कि अगर हिंदुस्तान के फौजी सिपाही सिर्फ बॉर्डर पर मूत भी देना तो पूरा पाकिस्तान बह जाएगा, तो वो हमसे लड़ने की कोशिश ना करे और हिंदुस्तान पे बुरी नज़र रखने की कोशिश ना करे, क्योंकि पूरा बॉलीवुड, पूरा हिंदुस्तान, हम सब एक हैं, और वी आर ऑल विथ मोदी जी, और हमें बहुत प्राउड है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। थैंक यू। Yeah, how are you? Yeah, Puneet ji pehli baar kar rahe hain stage pe, stage presentation first time, and main unko bahut hi good wishes de rahi hu. Kai kalakar aisa stage pe perform kar nahi payenge unless they are absolutely ready for it. और मैं तो स्टेज पे बचपन से करती आ रही हूँ, तो मुझे स्टेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एज एन एक्टर ही हैज़ टू रिमेंबर एवरीथिंग एंड परफॉर्म, विच इज़ लिटिल टफ। एंड हमारे पास इतने अच्छे अच्छे कथाएँ हैं हमारे हिंदू इसमें, वो सबको पिकअप करके ये परफॉर्म करते हैं आर्टिस्ट लोग, बड़ा अच्छा काम है। एंड आई विल मैं चाहूँगी कि और भी
बहुत सारे कलाकार आगे आए और स्टेज परफॉर्मेंस करें, क्योंकि कितने ऑडियंस हैं उनको देखने को चाहते हैं। और पुनीत जी विल बी डूइंग द बेस्ट आई एम श्योर।